सिक्कीममधील लोकांसाठी वैद्यकीय सुविधा व उपचार आणि नवी मुंबई शहरात अभ्यास आणि नोकरीचे पर्याय शोधणारे विद्यार्थी आणि प्रवासी यांच्या सुविधेसाठी सिडकोकडून खारघरमध्ये सिक्कीम राज्याला सुमारे 4000 चौरस मीटरचा भूखंड देण्यात आला आहे. या भूखंडामध्ये सिक्कीम राज्य सरकारकडून सिक्कीम सुस्वस्त भवन उभारण्यात येणार आहे. या भवनाचे भूमिपूजन सिक्कीमचे राज्यपाल गंगा प्रसाद यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून सिक्कीमचे मुख्यमंत्री प्रेम सिंग तमांग आणि भारतीय जनता पार्टीचे उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष व स्थानिक आमदार प्रशांत ठाकूर उपस्थित होते. सिक्कीम सरकारच्या पर्यटन आणि नागरी विमान वाहतूक विभागाने रुग्ण प्रवासी विद्यार्थी आणि राज्य इम्पोरियमद्वारे राज्याच्या हस्तकला आणि परंपरेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधांचा समावेश करून इमारत योजनेची संकल्पना तयार केली आहे. या इमारतीमध्ये एकूण 56 खोल्या असून यामध्ये 153 व्यक्ती राहू शकतात. तसेच 905 व्यक्ती एकाच वेळी या सुविधेचा वापर करू शकतात. या व्यतिरिक्त जातीय समुदायासाठी त्यांच्या स्वतःच्या सांस्कृतिक रचनेत एम्पोरियम योजना आहे. इमारतीमध्ये कूलिंग आणि हीटिंग सिस्टीम, जमिनीखालील आणि जमिनीवर पाण्याच्या टाक्या, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सौर पॅनेल आणि जागतिक दर्जाच्या इतर सर्व सुविधांचा समावेश आहे. या इमारतीच्या भूमिपूजनावेळी सिक्कीम विधानसभेचे उपसभापती संगे लेप्चा, सिक्कीमचे वाणिज्य आणि उद्योग विभाग, पर्यटन आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्री बेदू सिंह पंथ, शिक्षण विभाग, जमीन महसूल आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री कुंगान निमा लेप्चा, शहरी आणि गृहनिर्माण विकास मंत्री अरुणकुमार उप्रेती, सिक्कीमचे अतिरिक्त मुख्य सचिव जी पी उपाध्याय, भाजप खारघर शहर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, युवा नेते हॅप्पी सिंग, माजी नगरसेवक निलेश बाविस्कर, रामजी बेरा यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. विशेष रूप से ये सिक्किम सुस्वास्थ्य भवन रहेंगे. ये विशेष रूप से बीमारियों के लिए है. जो बीमारियों यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर पेशेंट आते हैं, टाटा मेमोरियल कैंसर रिसर्च सेंटर में सबसे ज़्यादा आते हैं ना, इसलिए उनका सुविधा के लिए हम लोग ने सिक्किम सुस्वास्थ्य भवन रख दिया. और गेस्ट हाउस बोलने से दूसरा आ गया. गेस्ट हाउस आने से हर आदमी यहाँ पर आएंगे, ठहरेंगे और सुविधा बीमारी को नहीं मिलेगी. इसलिए हम लोग ने बीमारियों को प्रायोरिटी देने के लिए हम लोग ने सुस्वास्थ्य भवन रख दिया है. और इसके लिए मैं विशेष रूप से महाराष्ट्र सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. और विशेष रूप से यहाँ का जो यहाँ का नवी मुंबई का जो हमारा विधायक है जो और यहाँ का जो प्रशासन है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना और सिक्कों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. उनका कारण अभी इतना बड़ा 1 एकड़ का जमीन इतना सस्ता दाम में हमको मिला है. सब मुंबई के बाद दूसरे जगह पर भी होगा ऐसा भवन? हाँ, हम लोग क्या सोच सकें कि मुंबई में तो बीमारियों आता ही है, लेकिन अभी बेलोर में भी सबसे ज़्यादा जाता है हमारा बीमारियों. बेलोर में भी बहुत दिक्कत है. वहाँ पर घर किराए में लेकर बैठना पड़ता है, मतलब महीनों 3 महीना 6 महीना 7 महीना कोई तो 1 साल 2 साल तक ट्रीटमेंट चलता है. इसलिए अगर अपना घर होगा तो उनको ज़्यादा सुविधा होगा. और हम लोग भविष्य में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं अगर वहाँ बेलोर में भी अगर गवर्नमेंट रेट में अगर मिलेगा तो हम वहाँ पर लेकर हम लोग भवन बनाएंगे. स्पेशली गेस्ट हाउस नहीं, हम लोग गेस्ट हाउस बनाना नहीं चाहते, लेकिन हम लोग एक हमारे बीमारियों के लिए जो पेशेंट है उनके लिए बनाना चाहता हूँ. और इसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. उनका और जो लोगों का कारण अभी हम लोग जमीन मिला है. सिक्किम सरकार के माध्यम से आज खारघर की इस भूमि में सुस्वास्थ्य भवन का निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है. सिक्किम के राज्यपाल महामहिम गंगा प्रसाद जी और उसी के साथ सिक्किम के चीफ मिनिस्टर आदरणीय प्रेम सिंह जी और उनके साथ साथ विधानसभा के अध्यक्ष तथा उनके सारे मिनिस्टर्स और उसी के साथ साथ उनके सारे ऑफिशियल्स, उनका मैं स्वागत करता हूँ. इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते जिस उद्देश्य से सिक्किम सुस्वास्थ्य भवन का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, आमतौर पर हम सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश भर से कई सारे लोग कैंसर जैसे एक बहुत ही हमको कष्ट देने वाली व्याधि, इस व्याधि के ट्रीटमेंट के लिए मुंबई में तथा खारघर में आते रहते हैं. ऐसे लोगों के रिलेटिव्स को और ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट के बीच में रहने की व्यवस्था करने के लिए सिक्किम सुस्वास्थ्य भवन का आज यहाँ पर निर्माण हो रहा है. उसी के साथ साथ
सिक्किम के टूरिज्म डिपार्टमेंट और उसी के साथ साथ उनके सिक्किम के खास उनके उत्पादन, इनकी जानकारी और उसका प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। खारघर की इस भूमि में मेरे साथ मेरे सहयोगी खारघर भाजपा के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल जी, मेरे सहयोगी नीलेश भाविस्कर जी और हमारे सारे सहयोगियों की ओर से मैं इस अभियान का स्वागत करना चाहता हूँ और हमारी ओर से इसके लिए जो भी सहयोग लगेगा हम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। जल्द से जल्द इस भवन का निर्माण हो और जितने लोग यहाँ पर आए उनको यहाँ पर अच्छे वातावरण का लाभ हो, ऐसी हमारी ओर से शुभकामनाएं। पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट।